हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम दो नए विज्ञापन की बात करने वाले हैं। सरकारी शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है संस्कृत शिक्षा विभाग से, परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगी। सैलरी 55,000 से अधिक मिलने वाली है। सी टेट या किसी भी राज्य के टेट की कोई भी आवश्यकता यहाँ नहीं है। सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो दोनों ही विज्ञापन इस वीडियो में हम चेक कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है, जिससे कि आप समय रहते आवेदन कर सकें। सबसे पहले जो है आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसी निकाली गई है। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी है। वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर की वैकेंसी है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो हम बात करेंगे संस्कृत डिपार्टमेंट की ही तरफ से, लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी है। सबसे पहले जो देखिए, संस्कृत की जो वैकेंसी है कुल 66 एंड 13, ये नंबर ऑफ पोस्ट है। हिंदी की जो वैकेंसी है 34 प्लस 5, एंड इंग्लिश की वैकेंसी है 46 एंड 3। ठीक है, तो ये कुल वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज भी जो है इन्हें बांटा गया है। सामाजिक विज्ञान की जो वैकेंसी है, तो जिसमें 61 वैकेंसी NSA के द्वारा और 4 वैकेंसी SA के द्वारा निकाली गई है। गणित की जो वैकेंसी है 61 और प्लस 7 कर लेते हैं, 68 वैकेंसी है। साइंस सब्जेक्ट की जो है वो आप देखें 47 वैकेंसी है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है योग्यता क्या कही गई है। तो संस्कृत विषय के लिए कहा गया है शास्त्री या फिर इसके इक्वलेंट कोई ट्रेडिशनल संस्कृत एग्ज़ाम आपने दिया हो संस्कृत मीडियम से, एंड शिक्षा शास्त्री या फिर डिग्री डिप्लोमा हो आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश गणित के लिए ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास जो है डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि BEd होना चाहिए। साइंस के लिए भी जो है ग्रेजुएशन के साथ में BEd चाहिए। साइंस में सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, और इसके साथ में जो है डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी वालों को भी जो है इन्होंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। अगर आपने ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट को पढ़ा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से केवल दो सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल चाहिए ही। सोशल साइंस के लिए आप देखें ग्रेजुएशन में दो सब्जेक्ट कौन कौन से आपके पास, हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड या फिलोसफी। ठीक है, तो इनमें से कोई दो सब्जेक्ट हो, साथ में डिग्री या डिप्लोमा। जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट हैं, यानी कि जिनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, BEd कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर जो है शामिल कर लिया जाता है आवेदन करने के लिए। शर्त ये है कि जब आपकी लिखित परीक्षा होगी उससे पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। सैलरी की अगर हम बात करें, काफ़ी अच्छी सैलरी है। आप देखें यहाँ पर 55,000 से भी अधिक रहेगी लेवल 11 के अकॉर्डिंग। राज्य सरकार के नियमानुसार जो है परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन भी देय होगा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है दी गई है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष 5 वर्ष की छूट है। वहीं पर यहाँ पर महिलाओं की 10 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की जो महिला है उसे 5 वर्ष की छूट है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला जो है उसकी कोई आयु सीमा तय नहीं है, कितने भी वर्ष की आवेदन कर सकती है। तो एक तो ये वैकेंसी रही जिसकी लास्ट डेट है 6 फरवरी से 6 मार्च, एक महीने का बिल्कुल टाइम है, आराम से जो है आप आवेदन करें। अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, 4 दिन बाद जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। वो आवेदन की जो प्रोसेस है वो दी गई है यहाँ पर, जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए गए हैं उन्हें फॉलो करके जो है आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, SSORajasthan.government.in पर जो है पहले लॉगिन करना होगा, उसके बाद आवेदन करेंगे। फीस जो है आप देख लें यहाँ पर, तो ये परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है। 600 रुपये जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी,
400 रुपये जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और 400 रुपये ही जो है EWS के भी हैं और दिव्यांगजन के भी। सिलेक्शन जो है कैसे होगा, तो यहाँ स्कीम एंड सिलेबस दिया हुआ है, आपके दो पेपर रहेंगे और आपका सिलेक्शन इनके द्वारा होगा। पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका GK का रहेगा। दूसरा पेपर आपका 300 मार्क्स का रहेगा, आपके सब्जेक्ट से संबंधित। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी है ये स्कूल लेक्चरर की है, यहाँ पर सब्जेक्ट देखें हिंदी 17 वैकेंसी, अंग्रेजी की 17 हैं, साहित्य की 4 हैं, सामान्य व्याकरण की 10 हैं, व्याकरण की 7 हैं, यजुर्वेद की 1 है, पॉलिटिकल साइंस की 1 है, हिस्ट्री की 1 है। तो ये जो है वैकेंसी है, कुल 52 पदों पर ये वैकेंसी आई है। ऑनलाइन ही जो है आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा, किसी भी राज्य के कैंडिडेट आवेदन करने के योग्य होंगे अगर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ आपके पास हैं। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति, विज्ञान के लिए आपके पास सेकंड क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी हो, 48% मार्क्स हो, साथ में शिक्षा शास्त्र या BEd, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण एवं यजुर्वेद के लिए जो क्वालिफिकेशन कही गई है, तो यहाँ पर जो है शास्त्री या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई ट्रेडिशनल संस्कृत एग्ज़ाम दिया हो आपने, संस्कृत मीडियम के साथ में, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, जो अंतिम वर्ष के कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। सैलरी यहाँ पर जो है स्कूल लेक्चरर की रहेगी लेवल 12, और भी अधिक रहेगी, तो यहाँ पर जो है 60,000 से भी अधिक सैलरी आपकी रहने वाली है। 21 से 40 वर्ष यहाँ पर उम्र रखी गई है। आयु सीमा में जो छूट है, जो कि हमने अभी पिछले विज्ञापन में देखी, वही रहेगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो आप देखें, स्कूल लेक्चरर की 31 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक, यानी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, और इसका कंप्लीट लिंक मैं आप लोगों को बिल्कुल शेयर कर दूंगी, ताकि आप कंप्लीट देख सकें, और फीस भी जो है वो बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर जो है स्कूल लेक्चरर के लिए जो सिलेबस दिया गया है, पेपर 1 जो आपका जो GK का रहेगा 150 मार्क्स का, सब्जेक्ट का रहेगा 300 मार्क्स का, ठीक है, और डिटेल में जो सिलेबस है जैसे ही वेबसाइट पर आ जाता है बिल्कुल न्यू सिलेबस आप लोगों को बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। थोड़ी सी तबीयत जो है वो डाउन होने की वजह से काफ़ी समय से वीडियो सही तरीके से अपलोड नहीं हो पाया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।